सलमान खान के छोटे भाई अरबाज खान अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर एक बार फिर खबरों में छाए हुए हैं। जाजिया से अलग होने के बाद अरबाज की लाइफ में नए प्यार की एंट्री भी हो गई। अरबाज खान की नई गर्लफ्रेंड के चर्चे इस वक्त आपको हर तरफ सुनाई देंगे। अचानक एक्टर का नाम एक लड़की से जोड़ा जा रहा है, जिसकी पहचान रवीना टंडन की मेकअप आर्टिस्ट के रूप में हो रही है। मलाइका अरोड़ा और जॉर्जिया इंद्रायणी के बाद अब अरबाज ने शूरा खान संग रिश्ते में लाइमलाइट बिटोर ली है। हालांकि अभी अरबाज और शूरा खान ने अपने रिश्ते को कंफर्म किया है, लेकिन अब इनकी वेडिंग डेट तक सामने आ गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अरबाज खान और उनकी नई गर्लफ्रेंड शूरा खान की शादी की तारीख सामने आ गई है। 56 साल की उम्र में अरबाज की दूसरी शादी रचाने की खबर सामने आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि इसी महीने एक्टर्स शादी करेंगे। अरबाज खान ने बताया 24 दिसंबर को वो शादी करने के लिए एकदम तैयार हैं। इसके अलावा इस कपल्स की शादी को लेकर ये भी कहा जा रहा है ये एक इंटीमेट वेडिंग होने वाली है। मुंबई में ही ये दोनों शादी करने वाले हैं। अरबाज और शूरा की शादी में सिर्फ परिवार के लोग और बेहद खास दोस्त ही शामिल हो सकेंगे। ऐसे में हो सकता है कि एक्ट्रेस रवीना टंडन भी अरबाज की गेस्ट लिस्ट में शामिल हो। दरअसल रवीना और उनकी बेटी राशा थडानी दोनों ही शूरा के बेहद करीब हैं। शूरा के इस साल से इन दोनों से जुड़ी हुई है। हर किसी के दिमाग में इस समय यही ख्याल आ रहा होगा कि आखिर शूरा खान कौन है और अरबाज से उनकी मुलाकात कैसे हुई। तो सबसे पहले आपको बता दें कि शूरा खान बॉलीवुड की जानी मानी मेकअप आर्टिस्ट हैं और वो बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन और उनकी बेटी राशा थंडानी की मेकअप आर्टिस्ट के तौर पर काम करती हैं। अरबाज से उनकी मुलाकात उनकी फिल्म पटना शुक्ला के सेट पर हुई थी। कपल्स जल्द ही परिवार की मौजूदगी में इंटीमेट वेडिंग का प्लान बना रहा है। हालांकि अभी तक अरबाज की तरफ से इन खबरों पर कोई रिएक्शन नहीं आया है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।